الصلاة ज़ियावी चैनल के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वीडियो उस वक्त का है जब राष्ट्रपति भवन के अंदर अफगानिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति और उनके तमाम साथी बकरीद की नमाज पढ़ रहे थे। तभी राष्ट्रपति भवन के पास 3 रॉकेट से हमला किया गया। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि तीनों रॉकेट हमले लगातार नहीं किए गए बल्कि कुछ कुछ देरी के बाद किए गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे और अफगानिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी भी नमाज में शामिल थे, उन्होंने नमाज की तरकीब को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया। वे नमाज ही पढ़ते रहे और नमाज में शामिल रहे। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमले के डर से भी नमाज नहीं छोड़ी और नमाज को नहीं तोड़ा, और ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हमला किसने करवाया और क्यों करवाया, इसकी तो पूरी जानकारी अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। जबकि राष्ट्रपति भवन के पास हमला करना कोई आसान काम नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी भी मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आगे की जानकारी हमें हासिल होगी, इंशाल्लाह हम तमाम जानकारी आप तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप भी कमेंट कर बताएं कि घटिया हरकत किसने की होगी।